इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर हिजबुल्ला और इसराइल के बीच जंग थम गई है। नेतन्याहू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसराइल हिजबुल्ला के बीच सहमति बनी है। नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्ला के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की है। दोनों पक्षों के बीच जारी भीषण लड़ाई फिलहाल थमने की अब उम्मीद बताई जा रही है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने संघर्ष विराम को लेकर चर्चा की थी। इजरायल ने 24 घंटे में लेबनान की राजधानी पर कई हवाई हमले किए थे, जिनमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी। उसी बीच ये जानकारी सामने आई, जहां पर हिजबुल्ला और इजरायल के बीच जंग थम सकती है। नेतन्याहू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसराइल हिजबुल्ला के बीच सहमति बनी है। नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्ला के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की है। दोनों पक्षों के बीच जारी भीषण लड़ाई फिलहाल थमने की अब उम्मीद बताई जा रही है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने संघर्ष विराम को लेकर चर्चा की थी। इजरायल ने 24 घंटे में लेबनान की राजधानी पर कई हवाई हमले किए थे, जिनमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी। उसी बीच ये जानकारी सामने आई, जहां पर हिजबुल्ला और इजरायल के बीच जंग थम सकती है। नेतन्याहू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है।